हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी तवा बर्गर की रेसिपी। इसे बनाने में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये सारी चीज़ें हमारे घर में ही ज़्यादातर टाइम अवेलेबल होती है और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। जब भी आपका चटपटा खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो तवा बर्गर बनाने के लिए लेंगे हम एक पैन और पैन में डालेंगे एक बड़ा चम्मच बटर। आप बटर की जगह घी या ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और जब बटर मेल्ट हो जाए तो उसमें डालेंगे हम एक छोटा चम्मच जीरा। और जब जीरा भी अच्छे से चिटकने लग जाए तो उसमें अब हम डालेंगे एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ अनियन और साथ ही डाल देंगे 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इन दोनों चीज़ों को हम हल्का सा भून लेंगे और हमें अनियन को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का से ट्रांसपेरेंट हो जाए बस उतना ही हम इसे भूनेंगे। अब यहाँ पर हमारे जो अनियन है वो हल्के से ब्राउन कलर के और ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई कैप्सिकम। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और कैप्सिकम को भी अनियन के साथ में अच्छे से सौटे कर लेंगे। कैप्सिकम को भी कुछ सेकेंड सौटे करने के बाद में अब हम इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ कैरेट और इसे भी अच्छे से सौटे कर लेंगे। कैरेट को भी कुछ सेकंड सॉटे करने के बाद में अब हम इसमें डाल देंगे हाफ कप बारीक कटी हुई कैबेज और थोड़ा सा नमक। इससे हमारी सब्जियां जल्दी से पक जाएगी। और मैं कैबेज को एकदम लास्ट में डाल रही हूँ क्योंकि कैबेज बहुत जल्दी पकती है, इसीलिए मैं कैबेज को लास्ट में डाल रही हूँ जिससे पहले थोड़ी सी सब्जियाँ सॉटे हो जाए, फिर उसके बाद में हम कैबेज को लास्ट में सॉटे करेंगे। और फ्रेंड्स, आप अपनी पसंद की यहाँ पर कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं, कॉर्न भी डाल सकते हैं, आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर सब्जियों को मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक के सौटे करने के बाद में सब्जी अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें डाल देंगे बॉइल्ड किए हुए 2 मीडियम साइज़ के आलू। अब हम इस आलुओं को भी सब्जियों में अच्छे से मिला देंगे। देखिए, इस तरीके से दबाते हुए हम आलू को इसमें मिलाएंगे जिससे आलू का कोई भी बड़ा पीस इसमें ना रहे। आलू और सब्जियों को अच्छे से मिलाने के बाद में अब हम इसमें डाल देंगे कुछ सूखे मसाले। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला। इससे इसमें बहुत अच्छा चटपटा टेस्ट आएगा। और नमक स्वाद अनुसार मैं यहाँ पर 1/2 छोटे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक के इन्हें फिर से पका लेंगे। अब 2 मिनट तक के मीडियम फ्लेम पे मैंने इसी तरीके से इसे पका लिया है। अब हमारी जो बर्गर की स्टफिंग है वो रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके के 2 बर्गर बन ले लिए हैं और ये मार्केट में बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। अब मैं इस पे लगा दे रही हूँ 1-1 चम्मच बटर और बटर को इस तरीके से अच्छे से फैलाते हुए लगाएंगे। अब मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ 1 छोटा चम्मच टमाटो केचप और उसे भी हम अच्छे से फैला देंगे इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो रख देंगे और उसे भी हम अच्छे से फैला देंगे। और जो स्टफिंग है उसे हम टिक्की जैसे थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखेंगे। अब मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ बारीक कटे हुए टमाटर और प्याज। इससे हमारे बर्गर में बहुत ही अच्छा क्रंचीनेस आएगा। अब मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ थोड़ा सा मोजरेला चीज़। अगर आपके पास मोजरेला चीज़ नहीं है तो आप चीज़ स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में किसी भी टाइप का चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप बिना चीज़ के इसे बनाएं, कि बिना चीज़ के भी बहुत टेस्टी बनता है। अब इसके ऊपर बनकर दूसरा पोर्शन रख देंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। पर मैं इसे हल्का सा तवे पे क्रिस्पी कर ले रही हूँ। तो उसके लिए हम एक तवा लेंगे और जो गैस की फ्लेम है उसे लो मीडियम रख तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे। और फिर हम उस पर डाल देंगे थोड़ा सा बटर और बटर को हम अच्छे से फैला देंगे। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया। अब हमारे बन को हम इस पर सेक लेंगे। देखिए, इसे इस तरीके से हम हल्का सा घुमा लेंगे जिससे हमारा बन के नीचे का पोर्शन अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाएंगे और इसे हम पलट के दूसरे साइड से भी हल्का सा क्रिस्पी कर लेंगे। इस तरीके से बर्गर को घुमा घुमा के हल्का सा क्रिस्पी कर लेंगे। मैं इसे एक बार और हल्का सा पलट के दूसरे साइड फिर से थोड़ा सा क्रिस्पी कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, क्रिस्पी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको ज़्यादा क्रिस्पी करना है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसे हल्का ही क्रिस्पी कर रही हूँ। और लीजिए, हमारा बर्गर बनके रेडी है। इसी तरीके से हम हमारे दूसरे बर्गर को भी बना लेंगे। और फ्रेंड्स, ये बर्गर फटाफट से बनके तैयार हो जाता है और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। और आपका जब भी चटपटा खाने का मन करे आप इसे ज़रूर बनाएं।
और लीजिए फ्रेंड्स, हमारा टेस्टी चटपटा सा तवा बर्गर बनके रेडी है। देखिए दिखने में ही कितने टेम्पिंग लग रहे हैं ये बर्गर, और इसे टमेटो केचप के साथ में सर्व करें और इंजॉय करें। अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।